अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लव एंड फूड। दोस्तों आज हम बनाएंगे अफ़गानी स्टाइल में चिकन तंदूरी। जी हाँ दोस्तों, बिना ओवन और बिना तंदूर के हम ये बनाएंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए मेरे साथ देखते हैं हम ये झटपट सी रेसिपी। दोस्तों मैंने ड्रम स्टिक ले लिए हैं 6 पीसेस और इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और साइड में जो इसकी नस रहती है उसे आपको कट करके निकाल देना है। इससे हमारा जो गोश है वो सुकड़ता नहीं है और ये काफ़ी जूसी बनता है। और कट अच्छे से लगाइए ताकि अंदर तक इसका मसाला भी जाए, ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और बहुत ही अच्छे से पक जाए। चलिए बनाते हैं इसका मैरिनेशन। एक बाउल में मैंने दही ले लिया है 2 टेबल स्पून। दही का पानी थोड़ा सी अवॉइड कीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। लेमन का जूस डालेंगे हम, 1/2 लेमन मैंने यूज़ किया है। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्कर की मदद से इसे विस्क कीजिएगा, इससे इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहेंगे और ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट के लिए क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे अमूल क्रीम 1 चम्मच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम इसमें एक एक करके हमारे सारे चिकन के ड्रमस्टिक्स जो हैं वो मैरिनेट कर लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो कट्स है उसमें भी अंदर अंदर तक आपको ये मैरिनेशन को लगा लेना है। बिल्कुल अच्छे से इसे कोट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। इसे मैंने मैरिनेट करने के लिए 2 घंटा रख दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे ये उतना ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। अब इसमें एक एक करके हम सारे हमारे ड्रमस्टिक्स रख देंगे। स्टार्ट में हमें जो गैस की फ्लेम है उसे हाई पे रखना है 5 मिनट्स के लिए और जैसे ही ये वन साइड हो जाएगा हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड और फिर हम गैस की फ्लेम जो है वो 2 मिनट के लिए हाई पे रखेंगे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम पका लेंगे। इसे बार बार हमें नहीं हिलाना है दोस्तों। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। ये देखिए वन साइड ये हो गया है। अब बस इसे हमें उठाकर और दूसरी साइड पलटी कर लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। गैस मैंने स्लो की है और जैसे हम इसे पलटी कर देंगे गैस हम फिर से फास्ट कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी जल्दी से बन जाती है और ये खाने में भी सॉफ्ट जूसी और बहुत बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे अपने घर पे बनाना ज़रूर दोस्तों। चलिए करते हैं हम इसकी प्लेटिंग और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए गुड बाय।